हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैडी अंकित पर। तो आज हम हैं न्यू टाउन में इको पार्क में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा न्यू टाउन का इको पार्क, जो कि न्यू टाउन में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वीकेंड्स के लिए। तो चलिए आइए वीडियो कंटिन्यू करते, देखते हैं न्यू टाउन इको पार्क में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ न्यू टाउन इको पार्क आना कैसे है। तो आप कहीं से भी न्यू टाउन का बस पकड़ सकते हैं, न्यू टाउन आ जाइए, वहाँ से कैब वगैरह करके आप न्यू टाउन इको पार्क पहुँच सकते हैं। न्यू टाउन बस स्टैंड से वही अराउंड 10-15 मिनट्स का रास्ता है। तो आप यहाँ इको पार्क फिर बस से पहुँच सकते हैं आराम से, एक फिर कैब वगैरह लेके आप न्यू टाउन इको पार्क पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, आज का व्लॉग हमारा जो कि इको पार्क न्यू टाउन में है उस पर है। तो हम लोग आए हुए हैं इको पार्क न्यू टाउन में घूमने के लिए। तो देख रहे हैं आप सामने में टिकट काउंटर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे 3-4 काउंटर है, यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं। टिकट आपको टिकट काउंटर पर ही लेना। चार्जेज वगैरह आपको दिख रहा है यहाँ पर, 25 रुपये चार्ज लगता है हर आदमी का। सामने में ही बाएं तरफ में आपको सबसे पहले मिलेगा 7 वंडर्स, जो कि दुनिया के 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे कौन कौन से हैं? क्रिश द रिडेमर है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, पिरामिड जो कि आप जानते हैं पिरामिड है, प्लस माकू पिचू है, और भी 7 वंडर्स आप ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन से हैं। तो ये 7 वंडर्स एक नमूना यहाँ पर बनाया गया है कि आप यहाँ पर कोलकाता में 7 अजूबे का एक रूप देख सकते हैं क्या है। तो हम लोग टिकट ले लिए, टिकट लेके सामने से हम लोग एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के लिए सामने में दिख रहा हो आपको एंट्री गेट, यहाँ पे आपको टिकट शो करना है। टिकट शो करके आप अंदर एंटर कीजिए। चलिए आइए फटाफट एंटर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बाएं तरफ में आपको 7 वंडर्स है। 7 वंडर्स का अलग टिकट है। एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे ही आप एंटर करेंगे हर चीज़ का टिकट 40-40 रुपये पर हेड है। 7 वंडर्स भी एंटर करने के लिए आपको 40 रुपये पर हेड लगेगा। हम लोग 7 वंडर्स के मैं एंटर नहीं कर रहे हैं, मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ। बाहर से ही दिखता है क्या फालतू का पैसा वेस्ट करना, और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से सबसे पहले आपको 7 वंडर्स मिलेगा। आगे बढ़िए, गार्डन मिलेगा, बोटेनिकल गार्डन है। गार्डन में झूले वगैरह यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं। सामने में बैठने वगैरह का जगह है, फ़ोटो जेनिक जगह है, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। तो मैं तो अपने फैमिली के साथ आया हूँ, हम लोग आज इन्जॉय करेंगे, देखेंगे वीडियो में क्या क्या है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, यहाँ घर दिख रहा है, कुछ हाउस टाइप का वुडन हाउस बना हुआ है। वुडन हाउस का एक रूप बना हुआ है। अभी वुडन हाउस बंद है, पहले खुला था बंद कर दिया गया। फिर कुछ स्कूल के बच्चे हैं, झूला वगैरह लगा है कुछ कुछ स्कूल के बच्चों के लिए। स्कूल के बच्चे पिकनिक वगैरह पर आते हैं वीकेंड में। यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन है, म्यूज़िकल फाउंटेन अभी बंद है, शाम को चलता है म्यूज़िकल फाउंटेन, दिन में बंद है। ये रेस कोर्स है, यहाँ पर साइकिलिंग होती है, साइकिल रेस वगैरह। दाएं तरफ में आपको ट्रेन दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं ये ट्रेन है, टॉय ट्रेन टाइप का है, जो कि पूरे न्यू टाउन पार्क में घूमता है। अभी ये भी बंद है, बंद किया करके रखा गया है। अभी देख रहे हैं ये रेस कोर्स है, साइकिलिंग वगैरह होती है, साइकिल रेसिंग वगैरह। फोटोजेनिक जगह है, फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए बहुत सुंदर जगह है। प्लस बटरफ्लाई गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन में सामने में बटरफ्लाई बना है, देखते हैं बटरफ्लाई अंदर क्या है। वैसे तो बटरफ्लाई अंदर में फ़ोटो वगैरह खींचना मना है, बोलना भी मना है, आप बहुत तेज़ बोल नहीं सकते हैं। जहाँ पे बटरफ्लाई को रखा गया है कैप्चर करके, वहाँ पे आप बोल नहीं सकते हैं, प्लस फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते। तो उसमें एंटर कर रहे हैं, उसमें तो हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। यहाँ देख रहे हैं ये एंट्री है, आगे से बटरफ्लाई गार्डन है, बीच में बोटिंग के लिए है। बोटिंग छोटा सा पॉन्ड है बोटिंग वगैरह करने के लिए। बोट्स वगैरह खड़े हैं इसमें, अभी बोटिंग बंद है शायद। दाएं तरफ में और भी कुछ बन रहा है, अभी खाली ग्राउंड है। बीच में कैंटीन है, कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं। नॉर्मल फास्ट फूड वगैरह मिलता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। फास्ट फूड वगैरह मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत बर्गर चाउमीन वगैरह मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको। तो इस तरह देख रहे हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे इको पार्क का जो एक लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है, उसमें बोटिंग वगैरह होती है। पीछे वाले छोटे पॉन्ड में बोटिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बोटिंग होती है। इको पार्क का ये बड़ा वाला लेक है, इसमें अच्छा खासा बड़े एरिया में
आइए देखते हैं। अच्छा खासा बड़े एरिया में लेक फैला हुआ है भी इको पार्क के अंदर। को लगता है ये यहाँ का तो खैर सबसे बड़ा पार्क है, आसपास के सिटीज़ के मुताबिक भी हमको लगता है सबसे बड़ा पार्क ही होगा। अच्छा खासा बड़ा पार्क है, देख रहे हैं आप, अच्छा खासा इसमें यहाँ पे तो सुनने में आया है जू भी बनने वाला है आगे चल के, अभी बना नहीं है, तैयारी चल रही है। जू बनेगा, कुछ जानवर वगैरह लाए जाएंगे शायद, मोर का बनाया गया है एक रोड तो देख रहे हैं, घास वगैरह का बनाया गया, कटिंग वगैरह। दो मोर है, छोटा सा टापू बीच में बनाया गया, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ अच्छा खासा बड़ा एरिया है। टॉय ट्रेन भी चलती है यहाँ पे, टॉय ट्रेन चारों तरफ चक्कर लगाती है पार्क के चारों ओर। एक एक बार आप एंटर करेंगे तो आप चारों तरफ उससे घूम सकते हैं। रोज़ गार्डन भी है, नए नए तरह के बहुत ही वैरायटीज़ के हैं यहाँ पे रोज़ लगे हैं। वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, वीडियो देखा करो, कुछ ट्रिप्स टूर्स का नॉलेज होगा। कहीं आप घूमने के लिए आए तो कोलकाता पे मेरा बहुत सारा वीडियो है, कोलकाता आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, कोलकाता में घूमने की जगह क्या क्या है, कैसे कैसे घूमना है, कितना टिकट वगैरह क्या है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा कभी ना कभी कोलकाता जब आओगे तो घूमने के लिए। टूरिस्ट प्लेस कहाँ कहाँ पर है, कोलकाता में कैसे कैसे जाना है, रास्ते कैसे कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये देख रहे हैं गार्डन, अच्छा खासा बड़ा गार्डन है, बगल में ही बोटिंग के लिए बड़ा सा लेक है। बोटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, बोटिंग के लिए 150 रुपये लगता है, 150 रुपया पर हेड, वो डिपेंड करता है आप कौन सा बोट ले रहे हैं, अलग अलग तरह का, 3-4 तरह का बोट है, उसमें 150 रुपये करीब पर हेड मान के चले लगेगा, 200-250 रुपये दो लोगों का है। तो यही सब है इको पार्क में, अच्छा खासा बड़ा इको पार्क है। आइए अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ वीकेंड पे आइए, खूब एंजॉय कीजिए, बहुत सारा फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो के लिए बहुत अच्छा जगह है, फोटोजेनिक प्लेस है, रोज़ गार्डन है, झूले वगैरह हैं, अच्छा अच्छा प्लेसेस है, सेवन वंडर्स है, सेवन वंडर्स जाइए अगर आप उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, सेवन वंडर्स के साथ, तो आपको इंडिया में एक रूप मिल जाएगा कोलकाता में इको पार्क न्यू टाउन में। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी कोलकाता आए तो उनको पता चले कि टूरिस्ट प्लेस क्या क्या है। सो थैंक यू फॉर